मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंशी शर्मा और आज के खास एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए है यूपीएससी की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले रियासी के ग्रामोड के साहिल डिगरा। इस एपिसोड के दौरान इनसे इनके पूरे सफर के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके पूरे सफर के दौरान क्या क्या चुनौतियां इन्हें पेश आई और किस तरह से इन्होंने इस लक्ष्य को हासिल किया। साहिल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई। मेरा पहला सवाल, सोशल मीडिया में आप इस समय शाये हुए हैं, कुछ अभ्यर्थी जो इस सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं वो आपको अभी से अपना रोल मॉडल मानने लगे हैं, अखबारों में आप हैं, मीडिया में आप हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और दिमाग में क्या चल रहा है? सर, इस टाइम तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं और बहुत लोग मुझे विश कर रहे हैं, बहुत लोग मैसेज पे मैसेज, सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, पर अभी लोग इतने आ रहे हैं मिलने के लिए, मैं किसी को रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे गांव के लोग बहुत खुश हैं, जो मुझे सबसे अच्छी बात जो लग रही है। तो मैं हमेशा से चाहता था कि थोड़ा सा गांव का भी नाम कहीं पे हो और ये नहीं था कभी दिमाग में कि हाँ ठीक है इसी तरीके से करेंगे, पर किसी ना किसी तरीके से जरूर करेंगे सोचा था। पर अब इतना अच्छा लग रहा है और लोगों को देख कर, जो लोग इतने खुश हैं, खास करके रियासी जिले के लोग जो खुश हैं, उनको देख के मुझे खुशी और दुगनी हो रही है मेरी खुशी उनको देख के। तो अपने सफर के बारे में बताइए, आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ से हुई और किस तरह से आप इस सफर से गुजरते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचे? एक ऑनेस्ट बात में पहले ये बताना चाहूंगा, ये जो आपका प्रश्न है, बहुत देर से मैं इस प्रश्न को इमेजिन करता था कि कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछेगा, तो उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी फर्स्ट क्लास से लेकर मैंने ट्वेल्थ क्लास तक जो है मैंने केवी स्कूल में पढ़ा है, केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम में, और उसके बाद मैंने क्या वहाँ भी आप टॉपर रहे? सर, इतना बड़ा टॉपर नहीं था, पर सेकंड थर्ड रहता था, क्योंकि मैं आज अपनी लाइफ में कभी टॉपर नहीं रहा, मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट नहीं आया। हाँ ठीक है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स में मेरा नाम होता था, पर मैं कभी फर्स्ट नहीं आया अपनी लाइफ में, और मेरे कभी 85 या 80% से ज्यादा नंबर भी नहीं आए कभी, और 12वीं में भी मेरे बहुत नॉर्मल नंबर थे, 78% कुछ थे। और उसके बाद मैंने DU का फॉर्म भरा, तो फॉर्चुनेटली DU में मैं हो गया, उसमें मेरी दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स मुझे मिल गया, मैंने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की। और ग्रेजुएशन करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट ईयर था 2015 में मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुई, पर मैं 2015 वाला एग्जाम नहीं दे पाया क्योंकि मैं उस टाइम पे 21 साल का नहीं था, मेरी उम्र उस टाइम पे 20 साल थी, तो मैं वो नहीं दे पाया। और फिर मैंने पिछले साल 2016 का फॉर्म भरा जब मैं 21 साल का हो गया, और फिर मैंने इसके लिए दिया और आज उसका परिणाम मिला है मुझे। तो क्या आपने कई साल पहले ही इसकी तैयारियां करना शुरू कर दी थी या फिर चंद महीने या कुछ साल पहले ही इसके लिए आपने ट्राई किया था? इसके लिए मैं कहूंगा 2009 में जो एक बहुत बड़ा चेंज आया, जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ जब कश्मीर से टॉप किया डॉक्टर शाह फैजल ने, और उस टाइम पे मैं 10वीं क्लास में था, और 10वीं क्लास में मैं था तो मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये कैसे होता है, मतलब तो मेरे बड़े ब्रदर हैं मिस्टर सुनील कुमार जी का, जिन्होंने मुझे, मतलब मैं कहता हूँ कि 99% योगदान उनका है मुझे आज यहाँ तक पहुँचाने में, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये यहाँ पे IAS की परीक्षा पास करनी पड़ती है और IAS की परीक्षा पास करने के बाद आपको रैंक मिलते हैं, फिर आपको सर्विसेज मिलती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि काम क्या होता है इसमें, क्या काम करना पड़ता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये काम होता है, आप छोटे से छोटे लोगों की मदद कर सकते हैं और जो भी समाज में बदलाव लाना चाहते हैं आप इस परीक्षा में थ्रू ला सकते हैं। और उसके बाद मैंने 10वीं में का रिजल्ट निकला, उसके बाद मैं अपनी 11वीं की कोचिंग लेने के लिए जम्मू चला गया, बिकॉज यहाँ पे कुछ ट्यूशंस की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मैं वहाँ चला गया। मैंने वहाँ 3 महीने अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा 11वीं के लिए और मैं घर आ गया। पर घर जब मैं आ रहा था तो मेरे दिमाग में मतलब यही चलता रहता था कि मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मेरे को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना, और घर वालों का पूरा मन था कि आप डॉक्टर बने, क्योंकि एक लड़का इंजीनियर था ऑलरेडी, मेरे भाई की 2010 में मतलब 2007 में उनकी नौकरी लग गई, तो वो तो मतलब कहते थे मुझे कि जो तेरा मन है वो कर, पर घर वाले कहते थे कि आप डॉक्टर बनिए, मेडिकल जाइए, उस साइड जाइए, पर मेरा उस टाइम मन नहीं था, अपना बेंट ऑफ माइंड होता अपना। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि मैं घर आया, वहाँ पे मैंने फिजिक्स मैथ पढ़ लिया, फॉर्म भरने गया, घर से बोल के कि मेडिकल नॉन मेडिकल रखने जा रहा हूँ, वापस आया तो मैंने आर्ट्स रख लिया 11वीं में। तो उसके बाद मैंने घर वालों को बताया, शॉक में रह गया, क्योंकि
हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम आर्ट्स वालों को बहुत नलायक मानते हैं कि ये लोग तो नलायक हैं, इनको जहाँ कुछ नहीं जिनको मिलता है तो वो आर्ट्स में आ जाते हैं कुछ टाइम पास करने के लिए, क्योंकि इनका आगे कोई गोल नहीं होता है। चार पाँच साल से मतलब ये चीज चेंज हो गई है। बिकॉज चेंज क्यों हुई है, क्योंकि अब बीए के बच्चे बहुत आने लगे हैं। पहले बीए करना लोग पसंद नहीं करते थे, लोग क्या बोले बीए करने से क्या होता है, बीएड करोगे टीचर लोगे, तो ह्यूमैनिटीज वालों की इतनी मतलब रेपुटेशन नहीं है। तो मैंने उस टाइम पे रखी, तो उस टाइम पे मेरे लिए मैं एक, अगर आज मैं सोचूं तो उस टाइम मैं एक बच्चा था, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता, और केवी स्कूल में मुझे वो चीज नहीं मिल पाई जिसके लिए मैंने आर्ट्स रखी थी, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो। मतलब अच्छा रहा सफर, अच्छा रहा बिकॉज, और कभी कभी यहाँ पे टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, हार्ड स्टेशन है केवी ज्योति, तो लोग यहाँ पे मतलब बहुत देर में यहाँ पे पोस्टिंग वगैरह बहुत इशू होता है, तो टीचर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे नहीं थी, और मतलब उतना अच्छा मुझे यहाँ पे आर्ट्स का बिकॉज ऑफ वही मैंने आपको बताया जो मेंटेलिटी है सबकी, आर्ट्स वालों को तो कुछ आता नहीं है तो कोई ध्यान भी कम ही देते थे। पर उस वहाँ पे मुझे एक मेरे टीचर मिले, बायोटेक सर्जन का नाम है, एपी के रहने वाले थे, उन्होंने एक स्पेशल मेरी तरफ ध्यान दिया, उन्होंने मुझे बोला कि साहिद तुम करने चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूँ, तो मैंने उनके पास पढ़ना शुरू किया, तो वो मुझे बहुत गाइड करते थे। इंस्पिरेशन जो थी वहां से आपको मिलना शुरू? इंस्पिरेशन मैं आपको कहूँ तो मेरे को इंस्पिरेशन मिली जब मेरे भाई की जॉब लगी 2 साल, तो मैं उनसे प्रभावित इसलिए था क्योंकि वो भी जब उनकी पीएससी में जॉब लगी तो वो भी हमारे घर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उस टाइम पे गैस में बहुत कम लोग थे जिनकी पीएससी में जॉब थी, तो उस टाइम पे भी काफी मेरे लिए मोटिवेटिंग था। पर शाह फैजल के बाद जो ट्रेंड हमारे कश्मीर वैली में आया है और जम्मू वैली में भी आया है वो ये है कि यहाँ से बहुत लोग अब आगे कोशिश करते हैं यूपीएससी के लिए, तो वही चेंज सेम मेरे में भी रहा और मैंने वहां से सोच लिया कि मैं करूँगा। पर 12वीं तक मैं जब आया तो वो सर चले गए, उसके बाद मैंने खुद पढ़ाई की। 12वीं में मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे मार्क्स थे, पर एवरेज मार्क्स थे मेरे 78%। उसके बाद मैं बीए की, उसके बाद फिर मैंने अपना फर्स्ट टाइम बीए जिसमें मेरा 9 months लगा है। तो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था वो क्या था आपका, और जो लोग इस परीक्षा को देना चाहते हैं इन आईएएस आईपीएस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की और सर्विसेज को करना चाहते हैं, आप क्या बताएंगे उनको कि वो भी इस एग्जाम को क्रैक कर सके? सर पहली बात तो ये है कि पहले तो आपको इंटरनल फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ, पहले आप अपने माइंड को तैयार कीजिए कि हाँ आप कर सकते हैं, कि हाँ मैं, अगर आप सोच लेंगे ना कि मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप कर लोगे, क्योंकि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आती, मैं उनको याद कर लेता हूँ, सीधी सी बात है, मैं जो चीज मुझे समझ नहीं आती मैं याद कर लेता हूँ। मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मुझे कभी कहा था कि अच्छा है अगर सारी चीजें याद ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से मतलब अगर तुम्हें हर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसको याद कर लो। तो एक तो आर्ट्स वाला था, तो आर्ट्स वालों को लोग कहते हैं यार कोटा मारने वाले हैं, तो कोटा वाला काम भी चलता ही है, तो ठीक है ऐसा है। पर जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनको मैं कहूंगा कि आप अभी से थोड़ा स्टार्ट करिए, अवेयरनेस थोड़ी सी हो गई है, मतलब पहले सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा, इंटरनेट साइट्स पे आजकल कोचिंग के लिए बहुत ज्यादा क्रेज है लोगों में, और ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है, यूट्यूब आजकल एक इतना स्रोत है एजुकेशन का। तो मेरी जो मोस्टली पढ़ाई हुई है यूट्यूब और ऑनलाइन हुई है, मैंने ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ऑनलाइन ही मैंने नोट्स पढ़े हैं, मैं कुछ साइट्स को फॉलो करता था जिनसे मैं रेगुलर कॉन्टेक्ट में रहता था, मैंने उसको सब्सक्राइब किया था, टेस्ट सीरीज मैंने ऑनलाइन ज्वाइन की है, और उसके बाद मेरा हिस्ट्री ऑप्शन जो था वो हिस्ट्री था, इतिहास था, वो मैंने 11वीं में से पढ़ा है हिस्ट्री, तो मेरा उस पर उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, जो कि जनरली लोग मुझे कहते हैं कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, पर वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट मुझे लगता है, तो मैंने उसी में हिस्ट्री ऑप्शन। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग भी आना चाहते हैं वो अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना होता है जिसमें उन्हें इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट को? बिल्कुल बिल्कुल, इंटरेस्ट प्लस ये भी देखना है कि भाई उसका मटेरियल है कि नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट से आप मतलब नहीं हो पाएगा ना, आपको बुक्स अवेलेबल है कि नहीं है उसकी। और मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सबसे ज्यादा किताबें मार्केट में है, सबसे ज्यादा नोट्स मार्केट में है, और वैसे तो हिस्ट्री का कोई अंत नहीं है, आप जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, वहाँ पे हिस्ट्री थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे आता है कि आपको ये दिमाग लगाना है कि कहाँ मुझे कुछ क्या चीज छोड़नी है, कि बहुत बड़ी है हिस्ट्री, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजों को डीप पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है हिस्ट्री। पर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ना वो आप इंटरेस्ट और सोर्सेज मार्केट में होने चाहिए उसको पढ़ने के लिए। दो चीजें आपने महत्वपूर्ण यहाँ पे कही। अब ये बताइए कि कभी कोचिंग सेंटर की तरफ गए आप, वहाँ ज्वाइन किया कोई कोचिंग सेंटर? बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा मैंने कोचिंग ली, मैंने बिल्कुल कोचिंग ली। कहाँ से? मैं जब ग्रेजुएशन मैं कर रहा था तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल किया था, तो दिल्ली की बात आप कर रहे हैं? हाँ, मैं जब थर्ड ईयर में था, थर्ड ईयर में था
वहाँ ज्वाइन किया, पर मैं एक्चुअली बेसिक कोचिंग लेता था, तो मैं पार्ट्स में कोचिंग लेता था, जैसे मैंने पूरी कंप्लीट नहीं किया था, बस ऐसा किया था कि हाँ छोटा मोटा, जैसे कि ये हिस्ट्री की कर ली, ज्योग्राफी की कर ली, तो वैसे मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी किया था जिसका नाम ALS था, एल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम, पर मैं कहना चाहता हूँ कि कोचिंग बिल्कुल भी जरूरी नहीं, उसका मुझे 10% भी फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। 500 बच्चों की क्लास होती थी, मैं उसमें बैठा रहता था, और ना एक्चुअली मेरा वो बैंड ऑफ माइंड है नहीं मैं किसी से कुछ पूछूं, बिकॉज हिस्ट्री में मुझे मैं क्या डाउट पूछूं, वो मुझे बोल रहा है कि 1857 में रेवोल्यूशन हुआ था, तो मैं उसको क्या पूछूंगा, क्यों हुआ था, हुआ था हिस्ट्री, डाउट तो होगा नहीं, तो जिन चीजों में डाउट होता था तो मैं ज्योग्राफी ये सब लेता था और मैं वो क्लासेस छोड़ देता था, जैसे हिस्ट्री में कभी भी छोड़ देता क्योंकि मुझे पता है कि उसमें ज्यादा होता नहीं कुछ। पर यह था कि कोचिंग जो है वो मैंने ना उसका मुझे नहीं लगता कोई फायदा है, मैं आज ये कहता हूँ कि 0% फायदा है कोचिंग का, बस ये है कि ना जब तक आप वहाँ पहुंचते हैं ना, अभी लोगों को क्रेज होता है कि हाँ दिल्ली जाके हो जाता है, पर मैं आपको बता दूँ दिल्ली जाने के बावजूद ना अगर सबकी सिलेक्शन होती तो बहुत 10 लाख बच्चे देते हैं एग्जाम, तो सबकी सिलेक्शन होती। पर जिन 500 बच्चों के साथ आपने कोचिंग ली उनमें से भी कोई उत्तीर्ण हुआ इस परीक्षा? सर जो मैंने जिनके साथ दी अभी तक तो मुझे उनमें से किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया, पर एक सर थे मेरे जो जिनके साथ मैंने कोचिंग ली थी वो एम्स में डॉक्टर थे, तो उनका लास्ट ईयर हो गया था क्योंकि मैंने बीच में गैप दे दिया था क्योंकि मेरी एज नहीं थी उस टाइम, मैं दे नहीं सकता था, तो 21 साल में जब हुआ तो उनके उनका हुआ है, पर और किसी का मतलब मेरे उसमें से तो नहीं हुआ कोचिंग में से। पर मैं ये कहूंगा कि कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है अगर आप इंटरनेट का सही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट का सही उपयोग करना बहुत कम लोगों को यहाँ पे आता है। डिजिटल इलिटरेसी जो मतलब मैं कहता हूँ विलेजेस में है वो थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब थोड़े से इलिटरेट लोग हैं कि डिजिटल जो चीजें हैं उनको कैसे यूज करना है, सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप को छोड़ के, इसमें कोई डाउट नहीं, सब कुछ यूज करना चाहिए। मैं फेसबुक यूज करता हूँ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर चीज में मैंने अकाउंट बनाया, एक्सेस नहीं होता, एक्सेस मैं बहुत कम करता हूँ। मैं फेसबुक खोलता हूँ, रोज खोलता हूँ, 20 बार 25 बार भी खोलता हूँ, पर देखता हूँ और 2-4 मिनट में उसको बंद करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को ना मुझे कोई मैसेज करता है ना मैं किसी को मैसेज करता हूँ, तो बस हाँ मुझे अच्छा लगता है फेसबुक तो मैं करता हूँ, पर मुझे ये नहीं है कि हाँ कि मैं उस पर वो करता रहूं। पर मैं ये कहता हूँ कि ऑनलाइन साइट्स को अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप उनके अच्छे से मतलब नोट्स वगैरह बनाते हो, न्यूज इवेंट्स के न्यूज़पेपर वगैरह मतलब अगर आप पढ़ते हो, वैसे तो न्यूज़पेपर बोलते हैं लोग पढ़ने के लिए, पर मैंने पूरी प्रिपरेशन में कभी नहीं पढ़ी है। इससे पहले मैंने जितने भी इंटरव्यू देखे हैं तो न्यूज़पेपर्स को उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बताया है, लेकिन आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि इतना ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने से? सर अपना अपना होता है, सब अपने अपने तरीके से तैयारी करते हैं। मैंने बिल्कुल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी, मैं insightsonindia.com फॉलो करता हूँ, वहां पे डेली न्यूज इवेंट्स आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, आप ही मुझे बताइए कि अगर मेरे को न्यूज़पेपर में जो जो इम्पोर्टेंट है उनके 2 पेज के नोट्स मुझे शाम को 5 बजे मिल जाएंगे, तो मैं अपने 2 घंटे क्यों न्यूज़पेपर में निचोड़ होगा, मुझे मिल जाएगा जो पेपर में आना है जरूरत का। अब अगर किसी का मर्डर हो रहा है वो तो पेपर में आना नहीं है मेरे एग्जाम में, तो मैं उनको क्यों पढ़ूंगा, और मुझे जब मैं पेपर के 20 पन्ने स्क्रॉल करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, जब वो ऑनलाइन बैठ के काम कर रहे हैं तो मुझे तो बस उसको यूटिलाइज करना। तो मैं insightsonindia.com के डेली जो करंट इवेंट्स होते हैं वो डेली के उनके करंट इवेंट्स आती है, प्रोफाइल है उनकी उस साइट पे, तो मैं उसको फॉलो करता था। प्लस एक और साइट है iasbaba.com, iasbaba.com ये 2015 में साइट लॉन्च हुई थी और ये साइट काफी अभी प्रोग्रेस पे है। इस साइट के लिए मैंने प्री प्लस मेंस दोनों के लिए मैंने इसमें एनरोल किया था, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम था जो कोचिंग मैं बोलता ना, जो मैंने कोचिंग ली है वो मैंने यहीं ऑनलाइन ही मैंने जो ज्यादा किया है, बाकी मुझे कोई फायदा नहीं है जो ब्रिक एंड मोटर सिस्टम है कोचिंग का, मुझे उसमें कोई फायदा नहीं दिखता, ना ही उससे कुछ हो सकता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इंटरनेट का सदुपयोग करके इस परीक्षा को पास किया जाए? बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत मतलब अगर आप बहुत अच्छे से इंटरनेट यूज करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप रोज के ना 2 घंटे इंटरनेट को देते हैं, तो इंटरनेट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, बस ये कि अगर आप अच्छी अच्छी साइट्स खोलते हैं, grunal.org है वो यूट्यूब पे, और मैं हर एक एस्पिरेंट को बताना चाहूंगा जिनको नहीं भी पता है, यूट्यूब पे grunal.org के हर कोर्स के 20-25 वीडियोस पड़े हुए हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और वैसे तो grunal.org अपनी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत फेमस है, तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके इकोनॉमी के जरूर जरूर देखिए, वीडियोस बहुत अच्छे हैं। उसके बराबर कोई भी कोचिंग में कहीं भी आपको इकोनॉमिक्स नहीं पड़ा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो सबके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप प्लीज उसको एक्सेस करिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। वहाँ पे आपके डाउट्स भी क्लियर होते हैं, वहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए, तो आपके डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे,
तो एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आप भी उसी तरह की बात कर रहे हैं कि जो कोचिंग है वो भी इंटरनेट से ली जा सकती है। ली जा सकती है, पर ऐसा है कि इंटरनेट से मटेरियल अब जो है ना, पिछले दो साल में अच्छा मटेरियल अवेलेबल था। पिछले दो साल से अच्छा, पिछले दो साल पहले की बात कर रहा हूँ, मटेरियल अच्छा अवेलेबल। अब क्या हो गया, बहुत सारी साइट्स आ गई। अब प्रॉब्लम क्या बन गई, आपके पास बहुत मटेरियल है। आज से 10 साल पहले होता था, लोगों के पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं था, लोगों के पास मटेरियल की कमी होती थी। आज इतना ज्यादा हो गया कि मटेरियल एक्सेस करने के लिए आप मटेरियल देख भी नहीं पाते, इतना ज्यादा मटेरियल है। मतलब मार्केट में फ्लड आ गया है मटेरियल्स का। आप दिल्ली में कभी भी जाए तो वहां पे ओल्ड राजेंद्र नगर में इतना मार्केट मतलब फ्लड हो गया। तो पर यह कि मैं जनरली इनसाइट्स ऑन इंडिया के नोट्स ही पढ़ता था, आईएएस बाबा के बहुत नोट्स मैंने पढ़े थे, और मेरे को उसमें प्री और मेंस दोनों में ही क्वेश्चंस दिखे। मैं मतलब ऑनेस्टली बताना चाहूंगा, मैं मतलब वो नहीं चाहता कि मैं अपने आप को बड़ा दिखाऊं, मैंने बहुत मेहनत की या वो है, पर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो जो अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो मतलब जरूर इंटरनेट से अवेयरनेस लेने की कोशिश करें। पर ये जो मैंने दो साइट्स बताई हैं इनको आप एक्सेस कीजिए और इनको सब्सक्राइब कीजिए। ये सुबह 10 बजे आपके मेल पे अपना मटेरियल डाल देते हैं, आपको लिंक दे देते हैं, आप नेट खोलो और उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते होंगे कि साहिल डिगरा के जो पढ़ाई के अलावा शौक है वो क्या क्या है, क्या क्या इंटरेस्ट है आपको पढ़ाई के अलावा? सर बेसिकली मुझे इवेंट मैनेजमेंट में काफी इंटरेस्ट है, तो मैंने अपने कॉलेज टाइम में भी अपना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया था, तो मुझे उसमें काफी इंटरेस्ट होता है। और सर एक और चीज है, मैं सोशल नेटवर्किंग में काफी घुसा रहता हूँ हमेशा, तो मुझे मतलब ये देखने का बहुत शौक है कि क्या क्या नई अपडेट्स आते हैं। और मुझे ये भी शौक है मूवी रिव्यू करने का, मतलब मैं मूवी देखता और उसके बाद उनको रिव्यू करता हूँ। समीक्षा जो आपको सही आपने कहा, मूवी रिव्यू करता हूँ, और साथ साथ क्रिकेट खेलने का भी शौक है काफी ज्यादा, और दोस्तों के साथ घूमने फिरने का बहुत शौक है। मैं बहुत घूमता फिरता हूँ, इवन कि अपने मेंस एग्जाम मतलब हर पेपर में घूमा हूँ। मतलब इतना क्या, मतलब मुझे लोग कहते थे कि यार किसकी तैयारी कर रहे हो, कहाँ घूमते रहते हो शादी में, पर ये कि सोशलाइजेशन मेरी बहुत अच्छी थी। मैंने अपने अपने आप कभी कमरे में कह नहीं किया, कोई भी मेरे रिलेटिव की शादी थी मैं हमेशा दिल्ली से आता था, तो मुझे मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अंदर बैठ के ही तैयारी होती है, मैं बिल्कुल सोशलाइज ना हूँ। मेरे बहुत जो हम और भी लोगों के इंटरव्यू देखते हैं जिन्होंने इस एग्जाम को पास किया है, उनका ये कहना रहता है ज्यादातर कि 8 घंटे पढ़ना पड़ता है, 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, 6 घंटे पढ़ना, तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर देखो एक लिमिट तक तो घंटे मैटर करते हैं, पर एक लिमिट के बाद घंटे मैटर नहीं करते। मैं आपको सही बात बताऊं, मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूं, मुझे चीजों को याद करने में बहुत टाइम समय लगता है, क्योंकि एक तो इतनी इंटेलिजेंस शुरू से भी नहीं थी, तो मैं क्या करता हूँ चीजों को एक बार पढ़ता हूँ, जब मैं चीजों को 3 बार नहीं रिवाइज कर लूं मेरे दिमाग में वो चीजें नहीं आती, तो इसलिए वो मुझे भूल भी बहुत जल्दी जाती है, तो मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो अपना अपना बैंड ऑफ माइंड होता है, कुछ लोगों को एक बार पढ़ने से वो साल साल याद रखते हैं, आप बोलोगे तो यार कहाँ पढ़ा था, वो बोलेंगे यार मैंने वहां पढ़ा था, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हाँ वहां पढ़ा था, अगर मैंने ताजा ताजा पढ़ा होगा तो मुझे याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। तो ऐसा मेरा बैंड ऑफ माइंड है, अगर आप शार्प माइंडेड है, अगर आप 6 घंटे में पढ़ के आप इतना पढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास सिलेबस है, आपको पता ही यूपीएससी का सिलेबस मुझे कवर करना। अब आप अपना प्लान बनाइए कि हाँ मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, 5-7 दिन पढ़ के देख लीजिए, 6 घंटे में कवर हो रहा, टारगेट बनाइए एक हफ्ते, तो बिल्कुल वेल एंड गुड, यार आप 6 घंटे पढ़िए। अगर आपको लग रहा है नहीं यार मैं 7 घंटे पढ़ने की जरूरत है, तो आप 7 घंटे पढ़िए। तो मैं ऑन एन एवरेज 6 से 8 घंटे पढ़ता हूँ, 8 घंटे जो थे वो मेरी एवरेज थी, किसी दिन मैं 10 से 12 भी पढ़ता था, और किसी दिन मैं जिस दिन मेरा मूवी देखने का मन होता था मैं 3-3 मूवीज देखता था एक साथ, और मैं उस दिन कुछ भी नहीं पढ़ता था, और किसी दिन मतलब अगर ज्यादा ही मेरा क्रेज हो गया पढ़ने का तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ लेता था। और ये पढ़ाई आपकी इंटरनेट पे ज्यादा होती थी? नहीं, इंटरनेट एक और चीज मैं बता रहा, इंटरनेट बुक्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, इंटरनेट एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे वो कहते हैं ना कि खाने के बाद डेजर्ट मिलता है, उसी तरह आपको इसमें 4 चैनल लगा सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में, और आपको उस कॉम्प्लीमेंट्री जो वहां पे मटेरियल प्रोवाइड होता था जहां पढ़ते थे उसकी हेल्प भी मिली, काफी हेल्प। मैं क्या करता था सर, मैं इंटरनेट पे पढ़ नहीं सकता, मतलब पढ़ मतलब मैं उस पे पीडीएफ लेता था, उसको प्रिंट आउट करता था, उसको हार्ड कॉपी में अपने पास रखता था, मेरे अभी आप मेरे जितने भी नोट्स है ना सब हार्ड कॉपी स्पाइरल बाइंडिंग में, मैं क्या करता था प्रिंट आउट निकलवाता था उनको स्पाइरल बाइंडिंग में, फिर उनको पढ़ता था, क्योंकि वो जो कंफर्टेबलनेस होती है ना आप ऐसे रख के पढ़ते हैं और ऐसे रख के पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया था मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे वो पर्सनल था, मेरे उसमें बहुत देर देखने से ना आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही, तो मैं जो था मैं बिल्कुल अपने आराम से रख के लेट के आराम से उसको फिर पढ़ता था। तो इस सफर के दौरान क्या कभी हताशा भी हुई कि
नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये चीजें सोचते हुए ये चीज सबसे डेंजरस एग्जाम है। मैं 2016 का प्री का फॉर्म भरा, मैंने अपने बड़े भाई को कॉल किया, मैंने कहा सर मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे नंबर ही नहीं आ रहे हैं टेस्ट में, तो मैं क्या पेपर दूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि डोंट वरी, लास्ट दो मंथ्स बचे हैं, गिव योर बेस्ट शॉट। मतलब मैं रोज स्ट्रेस होता हूँ, प्रीलिम्स इज द मोस्ट स्ट्रेसिंग एग्जाम, प्रीलिम्स बहुत मुश्किल है बिकॉज वो एलिमिनेशन राउंड होता है, आप सबको बाहर निकालना होता है, अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को लेके जाना। तो मैं काफी निराश होती हूँ, कभी कभी मेरे मतलब मार्क्स नहीं आते। मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कभी मेरे 200 में से 20 नंबर भी आए हैं, एक टाइम पे मेरे 200 में से 16 नंबर आए थे, पर वो मेरी स्टार्टिंग वो था। तब मुझे ये रियलाइज हुआ मैं कि तब मैंने जो एग्जाम दिए थे, टेस्ट दिए थे, उसमें मैं सिर्फ एक बार पढ़ के चला गया। आप ये किन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं? जो मैं टेस्ट देता था, कोचिंग सेंटर की बात कर रहे हैं? ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट देता था, कोचिंग सेंटर देता था, टेस्ट में देता था, कोचिंग में भी, ऑनलाइन मैंने आईएएस बाबा की टेस्ट देता था, प्रिंट आउट करवाता था और घर पे भी सॉल्व करता था। तो उन टेस्ट में देता था, मेरे 20-20 नंबर, 16 नंबर आते, तो मैं घर वालों को फोन करता था, तो घर वाले अब इनको फोन करा, ये भी टेंशन है यार 16 नंबर आ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा होता था। पर उसके बाद मैंने लास्ट के 2 months फिर मुझे पता चल गया, पर मुझे वो तब तक ये रियलाइज नहीं होगी हाँ कि अगर तुम 2-3 बार पढ़ोगे तो तुम्हें आ जाएगा। जब मैंने दूसरी बार पढ़ा तो मेरे मार्क्स थोड़े से इंक्रीज हुए, फिर मैंने जब थर्ड टाइम पढ़ा तो और, तो मैंने अपने प्रीलिम का जो सिलेबस था, मैंने कुछ चीजें मैंने 3 बार पढ़ी थी, पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने 5 times रिवाइज कर लिया था, पर मेंस के टाइम पे उतना टाइम नहीं मिला। तो जिससे रैंक बनता है वो मेंस होता है, प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग होता है, पर मेंस के टाइम पे ना मेरा फर्स्ट मेंस था और मुझे सीरियसली ज्यादा पता नहीं चला कि टाइम आ गया, तो प्रीलिम्स की खुशी ओवर एंजॉय कर लिया मैंने प्रीलिम्स का, तो उसमें ना मुझे टाइम नहीं मिला आगे प्रिपेयर करने के लिए। और हताशा की अगर आप बात करो तो रोज शाम को मैं, मेरा टाइम टेबल जो होता था उसमें मैं अपना 4 से 8 बजे तक पढ़ने के बाद मैं 8 से 9 पार्क में जाता था घूमने के लिए, उसमें मैंने गाने गाने सुनता रहता था, जिन मेरे बेस्ट फ्रेंड से मैं तो फोन करता था, जैसे कि मेरे 2 दोस्त हैं, माइंड फ्रेश करने के लिए बिकॉज वो स्ट्रेस बस्टर थे मेरे लिए। और वहाँ पे मुझे सिर्फ हिंदी इंग्लिश बोलने को मिलती थी, मैं स्ट्रेस हो जाता था, तो मैं फोन करता था प्योर डोगरी में गप लगाता था ताकि मेरे को मतलब रिफ्रेश हो जाऊँगा। और जब भी मैं स्ट्रेस में होता था मैं अपने बड़े भाई को फोन करता था, तो वो मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम होने के लिए। मेरे बड़े भाई हैं, उसके बाद मेरे नरेश भी एक कजन है, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत स्ट्रेस बस्टर का काम किया, मेरा फ्रेंड है विक्रम, इन लोगों ने बहुत मेरा स्ट्रेस रिलीज किया है। रोल मॉडल कहीं ना कहीं आपके रहे हैं? बिल्कुल, मेरे ब्रदर जो है, मैं कहता हूँ कि आज 99.9% जो योगदान है, क्योंकि अगर मैंने मेहनत की है तो उन्होंने भी मेहनत की है मेरे साथ। मैं कहता हूँ कि जब आप प्रिपेयर करते हैं ना तो आप अकेले प्रिपेयर नहीं करते हैं, आपके साथ हर एक आदमी वो प्रिपेयर करता है जो आपसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हेल्प हो जो आपके लिए कर रहे हैं। तो बहुत लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और हर चीज में मेरा साथ दिया मेरे बड़े भाई ने। तो मोस्टली मेरी एजुकेशन में प्रॉब्लम, अगर मुझे कोई डाउट होता था, मेरे ब्रदर ने कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं की है, पर मैं अपने आईएएस के डाउट भी उनसे क्लियर कराता था, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा आता, तो इसलिए मैं उनसे, क्योंकि वो ऐसे कि उनको शौक है पढ़ने का, तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो मैं वो बनता हूँ कि हाँ पेपर अगर पढ़ना नहीं तो क्या पढ़ना है, तो मैं उस टाइप का हूँ। तो क्या एकाग्रता कितनी जरूरी है इस एग्जाम को पास करने के लिए? बहुत जरूरी है, जब आपका टेंशन में होगा ना, 8 घंटे पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी कैश नहीं करेंगे, कैश नहीं कर पाओगे। पर अगर आपका माइंड शार्प है ना, तो मैं मतलब अगर माइंड शार्प की बात ही नहीं है यहाँ पे, अगर आपका माइंड थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री है, आप बिल्कुल फ्री माइंड में हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई आस पड़ोस की ये वो आ रही है, तो आप, मैं गारंटी कहता हूँ कि आपके दिमाग में बहुत चीजें एक साथ जाएंगी, तो वो क्योंकि इंटरलिंक काफी अच्छे से हो पाएगा, तो वो मैं कहता हूँ कि एक अच्छी चीज होती है। तो क्या तनाव को खत्म करने के लिए योगा, एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक कुछ इस तरह का अपनाते? बिल्कुल, मेरा मैंने सर्दियों में एक्चुअली जिम ज्वाइन करता था, और गर्मियों में मैं शाम को मैं 1 घंटा वॉक करता था, डेली वॉक करता था, उस 1 घंटे में अपने हेडफोन लगा के गाने सुनता था, क्योंकि मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है, और उसके बाद मैं अपने, मैंने आपको बताया, आधा घंटा गाने होते थे, आधा घंटे में फोन कॉल होती, और जब तक मैं फोन कॉल नहीं कर लेता था तो तब तक ये डेली की रूटीन थी, डेली रूटीन थी, 1 घंटा मेरा सर, गर्मियों में मैं शाम को जाता था और सर्दियों में मैं सुबह जिम जाता था, पर वो अलग बात है, जिम में कभी बॉडी बनाने के लिए नहीं गया, बस मैं थोड़ा अपने आप को फ्रेश करने के लिए जाता था। आपको देख के तो ऐसा लग रहा होगा जो भी दर्शक हैं या फिर जो भी अभ्यर्थी की, बड़ा आसान है ये सब करना जिस तरह से आपने बताया, तो आसान नहीं है सर, इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, अगर आपके हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ
अब मैं जब उन चीजों को याद करता हूँ कि पिछले एक साल में मैंने क्या क्या किया, तब मुझे याद आता है हाँ यार मतलब थोड़ी बहुत मेहनत की है, बाकी ऊपर वाले का रहा रहता है साथ, और मेरे भाई का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें, मेरी सिर्फ 1% मेहनत है, मेरे भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और आज मैं जो हूँ सिर्फ अपने भाई की वजह से। तो अब ये बताइए कि कुछ दिनों के बाद आपको केंद्रीय सेवाओं में जाना है, यहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी, एक राजनीतिक दबाव भी ब्यूरोक्रेट्स पर रहता है, तो किस तरह से हैंडल करेंगे उस राजनीतिक दबाव? सर बात है कि अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ योर पावर, तो आपको किसी चीज से डरने की किसी भी चीज से। पॉलिटिशियंस भी कभी कभी इमोशनल हो गए या लोगों के उसमें जब लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो गई तो उनको भी अपना कभी कभी करना पड़ता है, पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मेरा एक ये कि मैं अपने दायरे में अपनी लिमिट्स में रहकर काम करूंगा, जैसे जो भी मुझे सर्विस मिलती है, जो भी मुझे सर्विस अलॉट की जाएगी। आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, आप किस, आप कल कोई सर आईएएस आ रहा है तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस है, आईएएस के बाद मैंने इंडियन पुलिस सर्विस दिया, थर्ड प्रेफरेंस मेरी इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स है, वो जो मोस्ट प्रेफरली मुझे मिल जाएगी इनकम टैक्स मिल जाएगी, और उसके बाद मेरी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टमर सर्विस। तो क्या आप जम्मू कश्मीर में ही अपनी सेवाएं देना चाहेंगे? सर अगर आईएएस और आईपीएस मिलता है तो उसमें स्टेट होता है, बाकी सब में जोन्स होते हैं, जैसे नॉर्दर्न जोन्स में 3-4 स्टेट्स होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, तो अगर आईएएस आईपीएस मिलता है तो उसमें हो जाता है स्टेट। पर सर हमारा यह क्या है, आजकल वो इनसाइडर आउटसाइडर की पोस्ट होते हैं, हमारी जेएंडके स्टेट में सिर्फ एक ही पोस्ट है, तो बहुत लोग हैं मेरे से ऊपर, तो मोस्टली उनको मिल जाएगा। पर सर लास्ट टाइम थोड़ा सा लक भी इसमें मैटर करता है, लास्ट टाइम रैंक मेरा 917 रैंक है, पर जिसका रैंक 2 था लास्ट टाइम उसको भी स्टेट नहीं मिला, तो इसलिए दिस इज मैटर ऑफ लक। और मतलब वैकेंसीज कैसी हैं स्टेट में, हर साल वैकेंसी चेंज होती है, इस बार ऑल इंडिया में काफी वैकेंसीज कम हुई है पुलिस सर्विस की, थोड़ी सी कम, तो उसके हिसाब से भी आपका मैटर करता है। तो करप्शन की अब बात करेंगे, आप अभी ब्यूरोक्रेट बनेंगे, किसी उच्च पद पर नियुक्त होंगे, तो हाउ टू रिमूव करप्शन और कंट्रोल करप्शन, क्या कोई प्लान है कि किस तरह से करप्शन आप यहाँ भी नियुक्त होंगे वहाँ पे आप कम कर पाएंगे, या फिर करप्शन के लिए आपकी कोई जाती राय? मैं जो पर्सनली सोचता हूँ करप्शन के बारे में, मेरा ये मानना है कि करप्शन को एकदम से नहीं मिटाया जा सकता, तो आपको करप्शन मिटाने के लिए बहुत सारे चीजों को लाना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें, बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है वो करप्ट नहीं है, इनएफिशिएंसी भी नहीं है, पर लोगों ने उसको बना दिया है। मैं कहूँ लोग हमेशा कहते रहते हैं कि हाँ ब्यूरोक्रेट्स करप्ट हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स काफी इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो बनते हैं, मैं उन सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ जो इस लिस्ट में आते हैं, क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है इसमें, तो मैं उन सबको मतलब सैल्यूट करता हूँ जो लोग लिस्ट में आते हैं, मतलब चाहे उसका एक रैंक है, आप बोलोगे तो एक रैंक, 100 रैंक, 200 रैंक, यूपीएससी इसमें ज्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं होता, एक नंबर पे आपके 40-40 रैंक होते हैं, और जिस रैंक पे मेरा है तो उसमें एक रैंक पे 50-60 बच्चे भी होंगे, तो उसमें ऐसा मार्क्स कोई बहुत अंतर नहीं होता, ये बस ये कि एक नंबर आपका नीचे आया और आप 200 रैंक पीछे चले गए, तो अगर मेरे 20 नंबर ज्यादा आए तो मैं क्या पता 600 रैंक में चले जाऊं, तो ऐसा होता है कि थोड़ा माइनस होता है, ये आपका तो बस ये कि आप मेहनत कर सकते हो, बाकी तो सर बाकी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपने डिजिटल इंडिया की बात की कि वहां से आपने काफी पढ़ाई, तो क्या लगता है प्रेजेंसी लाने के लिए क्या डिजिटल इंडिया एक अहम भूमिका निभा सकता है? बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं किसी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया है तो वो कर पाएगा, मैं बस ये कहना चाहूंगी डिजिटलाइज करना, जैसे हम लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करते हैं, करप्शन वहां पे होती है जहां पे चीजें एम्बिगुअस है, जहां पे चीजें दूर से कुछ देखती है और अंदर कुछ होता है, जहां अगर आप कुछ काम कराने जाओगे और आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वहां पे करप्शन होती है। अगर हम लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाए कि एडमिनिस्ट्रेशन में काम कैसे होता है, अगर उनको पता है ना कि लीगल फीस 50 रुपए है, ठीक है, तो वो कभी भी 50 रुपए ज्यादा नहीं, बिकॉज उनको पता ही नहीं है। और ये है कि अनपढ़ लोगों के लिए अलग से हम एक डेस्क खोल सकते हैं या एक अलग से एक डिपार्टमेंट बना सकते हैं, जैसे आरटीए का डिपार्टमेंट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट बना सकते हैं जिसमें लोगों को मतलब जो उनका काम है उन एक कंप्लेंट डेस्क हो या एक हेल्पिंग डेस्क हो हर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे जो लोग काम के लिए आते हैं
वो उस ऑफिसर के पास जाने से पहले उस डेस्क के पास जाएं और डेस्क उनको बताए कि आपका ये काम है और आपका काम ऐसे होगा, ठीक है, और ये प्रोसीजर है। जब बंदा ऑफिसर के पास जाए तो उसको पता हो कि मेरा प्रोसीजर ये है, मुझे कोई पागल नहीं बना सकता। तो इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी सर्विस को चलाने के लिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। और डिजिटलाइज अगर हम चीजों को करेंगे ना तो हमेशा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। पर डिजिटलाइज होने के साथ साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी काफी होते हैं, डाटा थेफ्ट के, हैकिंग के, फिशिंग के बहुत होते हैं। और हमारे देश में आईटी कानून भी कुछ इतना ज्यादा इतना अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, पर गवर्नमेंट इज डूइंग बेस्ट, मतलब बहुत सारी चीजें आ रही हैं कोशिश। पर मैं ये कहना चाहूंगी अभी भी डिजिटलाइजेशन को पूरी तरह से नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों की भी जरूरत है। टाइम के साथ साथ डिजिटलाइजेशन होना, क्योंकि हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट उतना ज्यादा नहीं है जितना बाहर की डेवलप्ड कंट्री यूएसए में है, तो वो ऐसा नहीं है। पर हमें अभी जब तक ये लिटरेसी रेट हमारा धीरे धीरे इंक्रीज नहीं होता, जैसे कि हमारी अभी चाइल्ड एनरोलमेंट रेशियो काफी इंक्रीज हो रही है एजुकेशन, तो वहां पे अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं और साथ में वुमेन्स का भी अगर इसमें वो होगा ना एजुकेशन होगी, बिकॉज आप देखेंगे तो अभी देखा जाए तो वुमेन की लिटरेसी रेट हमेशा कम रहता है, गाँव की लेडीज को अवेयरनेस बिल्कुल नहीं। अगर वो अकेले काम कराने जाएंगी तो उनको वो चक्कर ही काटने वाला होता है। तो और वैसे भी मैं आपको सही बात बताऊं, गांव में इंफॉर्मेशन की बहुत कमी है आज भी। बेशक डिजिटल इंडिया आ गया, जियो 4G 3G ये सब चल रहा है, पर आज भी हमारे ग्राम रोड में लोगों को ठीक तरीके से ये भी नहीं पता है कि आईएस क्या होता है। कल मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने बोला कि उन्होंने बोला कि भाई आप ये बताइए कि इसमें करें क्या, क्या नौकरी करेंगे आप इसमें। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि आईएस होता क्या है। पर वो है ना कि यही चीज है कि लिटरेसी लेवल इंक्रीज करके, ट्रांसपेरेंसी लाके, चीजों को डिजिटलाइज करके, और मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर ट्रांसपेरेंसी है तो करप्शन धीरे धीरे रिमूव होगा। अगर आप बोलेंगे मैं कोई जादू छड़ी घुमा दूँ और उसमें करप्शन खत्म हो जाए, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। इस दुनिया में बहुत ही कम ही ऐसे देश है जहाँ से करप्शन जीरो है, पूरी तरह से है ही नहीं। जीरो करप्शन जो है ना वो एक आइडिया है बस, हम सोच सकते हैं जीरो करप्शन होगा, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी चीजों में करप्शन चलता ही रहता है, ठीक है, पर हम उसको मिनिमम लेवल तक डिक्रीज कर सकते हैं, ये मेरा खुद का मानना है। उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, इन्फॉर्मेशन फैलाना, अवेयरनेस फैलाना लोगों में, और वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट का रोल बहुत बड़ा है इसमें, और वो इशू बहुत बड़ा है, उसके लिए अलग से डिबेट करनी पड़ेगी। तो भविष्य में आप अपने आप को कहां देखते हैं और क्या लक्ष्य है आपका? सर पहले तो मैं भी वेट कर रहा हूँ 10 दिन का, जो अगले 10 दिन है उसमें भी मुझे बहुत एंजाइटी है, मतलब मैं काफी वो हूँ कि इंटरेस्टेड कि मेरे को कौन सी सर्विस अलॉट होती है। जो भी सर्विस अलॉट होगी, अगर मुझे लगा कि हाँ मैं आईएएस तो मेरा लक्ष्य है, तो मैं ट्राई करूंगा कि अगर मुझे कोई सर्विस नहीं मिलती, पहले तो मेरा ये है कि जो भी सर्विस मिले सारी सर्विस अच्छी है। लोगों में ऐसा होता है कि आईएएस बहुत अच्छी सर्विस है, पर मैं कहना चाहूंगा आईएएस आईपीएस आईआरएस सब ग्रुप ए की सर्विस होती हैं, यूपीएससी ही उनकी परीक्षा लेता है, और उन सब में सेम प्रिविलेजेस, सेम फैसिलिटीज ये सब होती हैं, और प्रिविलेजेस की बात आनी ही नहीं चाहिए मुझे लगता है। लोगों का ये मानना है कि हाँ जी आईएएस में भाई बहुत होती है और ये होता है, आईपीएस में सिक्योरिटी होती है। तो अगर आप उस चीज के लिए सिविल सेवा में जाना चाहते हैं तो सर आप एक बार सोच लीजिए आप क्यों जाना चाहते हैं। तो मुझे तो वैसा ऐसा कोई शौक नहीं है कि हाँ गाड़ियां लगी हुई हैं ये, मुझे गाड़ी का ज्यादा शौक नहीं है, मुझे ड्राइविंग आती भी नहीं है इतनी अच्छी, तो मतलब मेरे को इतना शौक भी नहीं है। पर ये कि हाँ मतलब कर सकते हैं अच्छे से इन चीजों को। तो जो लोग अभी देख रहे होंगे या फिर जो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, उन्हें जाते जाते क्या मैसेज देना चाहते? मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी कर सकता है, कोई भी एवरेज स्टूडेंट कर सकता है, जिसके 50% है, 60% है, कोई भी कर सकता है, और 90% वाला भी कर सकता है। बस एक इंस्पिरेशन की जरूरत है जो इंस्पायर करे आपको। मैं एक्चुअली जो मैं अपने आप को इंस्पायर करने के लिए करता था, मैं मोहम्मद अली के काफ़ी वीडियोज़ देखता था, वो काफ़ी इंस्पायर होता था उनसे, प्लस मैं और भी काफ़ी एपीजे अब्दुल कलाम से काफ़ी ज़्यादा मतलब इंस्पायर्ड हूँ। मैं उनके लेक्चर सुनता था, अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर सुने तो वो एक बहुत मोटिवेशन लेक्चर है उनके। सेकंड मतलब मैं अपने ब्रदर जो हैं उनसे बात करता हूँ, आपकी लाइफ में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको हर कदम पे गाइड करता है, क्योंकि यूपीएससी में होता है ऐसा कि गाइड करना जरूरी होता है। पर उस टाइम पे मेरे भैया ने जितना गाइड किया, उस टाइम इंटरनेट आज से 4-5 साल इतना ज्यादा नहीं था, हमारे एरिया में स्लो था। 2G एक फाइल डाउनलोड करती PDF तो उसको 10 मिनट लगते थे, गुस्सा आ जाता था, तो मन करता फैन उसको।
ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे हर चीजें हो सकती हैं। तो कभी भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कीजिए, सो मैं हमेशा रिप्लाई करूंगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे पूछ सकते हैं। और बाकी सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और मैं ये करूंगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है यार। मैं बहुत नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, और अभी भी अगर मुझे कोई पूछ लेगा ना तो मुझे नहीं आएगा, भूल गया मुझे, मैं इतना वो नहीं हूँ इंटेलिजेंट, पर मैं सबको ये कहूँगा यार कोई भी कर सकता है, मतलब ईजी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, चीज़ें आपको दिमाग में बिठानी पड़ेंगी, हाँ भाई थोड़ा सा मुश्किल है पर मुश्किल तो आपको करना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, हो जाएगा। दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, सबको बता रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली से किया है, मैं मतलब 3-4 साल दिल्ली रहा हूँ ग्रेजुएशन करने के बाद, मैं अभी एग्जाम के प्रोसेस में भी दिल्ली था, और दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो, यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। PDF फाइल्स अवेलेबल हैं इनसाइट्स ऑन इंडिया पे, उनकी स्पेशल मॉड्यूल्स आते हैं प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए स्पेशल मॉड्यूल्स होते हैं, तो आप वहाँ ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे, हो जाता है आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं नहीं समझता कि मैंने बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट की, क्योंकि मेरे से पहले 916 लोग हैं, तो पर यह है कि हाँ मैं मतलब मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा मतलब स्ट्रेच करेंगे अपने आप को, अपने लिमिट्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। और रही बात अपने रोल मॉडल की, तो रोल मॉडल अपने मतलब कि कोई ना कोई बनाना जरूरी भी नहीं है, अपने आप को अगर अपना रोल मॉडल मान के चलेंगे ना, हाँ कि मुझे ये चीज करनी है और मैं अपने आप का ही रोल मॉडल बनूंगा, तो पक्का आप कुछ करेंगे और सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल जाहिर नहीं है जी। साहिल जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे साहिल डिगरा जी, जिन्होंने UPSC की एग्जाम का जो सफर था इनका, उसके बारे में तफसील से हमारे साथ बातचीत की और बड़ी ही सरलता के साथ अपनी कहानी बताई। और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग या जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को देना चाहते हैं वो इनसे इंस्पायर होंगे, हालांकि वो अभी से इनको अपना रोल मॉडल मानने लगे हैं। साहिल जी ने ये भी बताया कि इनके जो भाई हैं सुनील डिगरा जी, वो इनके रोल मॉडल हैं, समय समय पर उनसे इंस्पिरेशन इनको मिलता रहा। साहिल जी ने इंटरनेट को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और जो इंटरनेट से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, कहीं ना कहीं उस ज्ञान को इन्होंने परीक्षा में इस्तेमाल किया और आज इन्होंने UPSC की जो परीक्षा है उसे पास कर लिया है। और रियासी के जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को देना चाहते हैं उनके लिए आज ये रोल मॉडल बने हुए हैं। इनके घर पे बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, परिजनों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पे देखी जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में किसी और हस्ती के साथ बात करेंगे। नमस्कार।